इस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों को सर्दी जुकाम, कप कोल्ड हो जाना, नाक बहना, आंसू आना, एलर्जी होना, तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सको। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सिनारेस्ट सिरप के बारे में। तो सिनारेस्ट सिरप को मैं आज आपको उसका यूजेस बताऊंगा, उसके डोजेस बताऊंगा, उसको कब लेना है, कब नहीं लेना, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिनारेस्ट, सिनारेस्ट के अंदर कंटेंट की बात करी जाए तो इसके अंदर पैरासीटामोल पाया जाता है, क्लोरफेनिरामाइन पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। इसका उपयोग बच्चों में सर्दी जुकाम, कप कोल्ड हो जाना, रनिंग नाक, नाक बहना, एलर्जी हो जाना, आंसू आना, शरीर के अंदर बुखार आ जाना, इन सारी समस्याओं में इसको उपयोग किया जाता है। अगर इसके डोजेस की बात करी जाए, 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए आप 1.5 ml बीडी दे सकते हो, 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए आप 2.5 ml बीडी दे सकते हो, 1 से 10 ईयर के बच्चे के लिए आप 5 ml दे सकते हो, अपने डॉक्टर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन किसी भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप पे आसानी से आपके आसपास में मिल जाएगी। और इसकी एमआरपी की बात करी जाए तो लगभग 60-70-80 रुपये के लगभग इसकी एमआरपी या किसी भी आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सको। जय हिंद, जय भारत।